हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन मॉर्निंग शो। प्रसिद्ध इतिहासकार और जामिया के पूर्व कुलपति मसीरुल हसन का निधन हो गया है। प्रसिद्ध शिक्षाविद इतिहासकार एवं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मसीरुल हसन का 10 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। वे पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। उनकी आयु 70 वर्ष की थी। उन्हें विभाजन तथा दक्षिण एशिया में इस्लाम के इतिहास को लेकर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। मसीरुल वर्ष 2004 से 2009 तक जामिया मिलिया इस्लामिया में कुलपति रहे थे। मसीरुल हसन के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर मसीरुल हसन का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। वे 1992 से 1996 के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के उपकुलपति रहे और 2004 से 2009 के बीच कुलपति रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्होंने भारत विभाजन और दक्षिण एशिया में इस्लाम के इतिहास पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। प्रोफेसर मसीरुल हसन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के उपाध्यक्ष के साथ साथ ईरान स्थित दूतावास में इंडो ईरान सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और 2002 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक भी रह चुके हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब जानेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है। जामिया मिलिया इस्लामिया संयुक्त प्रांत भारत के अलीगढ़ में मूल रूप से 1920 में एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1988 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। उर्दू भाषा में जामिया का अर्थ है विश्वविद्यालय और मिलिया का अर्थ है राष्ट्रीय। दिसंबर 1988 में संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।